नमस्कार दोस्तों, आप सब ध्रुव लाठी को तो जानते ही होंगे। शायद आप उसको उसके कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल ओपिनियंस की वजह से जानते हो। हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। आपका पैसा चोरी हो गया है, देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। या फिर उसके एजुकेशनल वीडियोस की वजह से। टाइम ट्रेवल एक्सपर्ट, फ्लाइंग कार्स के एक्सपर्ट, इजराइल पैलेस्टाइन के एक्सपर्ट, आईपीएल के एक्सपर्ट, एलियंस के एक्सपर्ट। बट आपने कभी ना कभी तो उसका नाम सुना ही होगा। देखो तुम उसकी बातों पे एग्री करते हो या नहीं करते, पर तुम सब उसकी एक बात पर जरूर एग्री कर सकते हो कि ही इज अ यूट्यूब जीनियस, जो कि जानता है कि उसकी जनता क्या चाहती है और उसको उस जनता के सामने उस कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है। आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई ध्रुव राठी इज अ बिग यूट्यूब जीनियस। देखो ध्रुव राठी कौन है और उसके ओपिनियन से ज्यादा मैटर क्यों करते हैं, हमें ये समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। बेसिकली हु इज ध्रुव राठी? तो करीब 10 साल पहले 11 जून 2024 में ध्रुव राठी ने अपनी पहली वीडियो अपलोड करी थी अपने न्यू YouTube चैनल के ऊपर। जीरो व्यूज और जीरो सब्सक्राइबर्स के साथ ये YouTube जर्नी शुरू हुई, जो आज 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 2.6 बिलियन व्यूज तक पहुंच चुकी है। पर ध्रुव राठी की इतनी सक्सेस के पीछे का राज क्या है? क्या ये एक सोची समझी प्लान्ड सक्सेस है या फिर केवल एक इत्तेफाक? देखो मेरे को यूट्यूब पे कंटेंट डालते डालते 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस चैनल पे 9 महीने से सीरियसली कंटेंट डालते हुए मेरे को ये समझ आया है कि तुम महीने में एक वीडियो अपलोड करो या फिर 10, अगर तुम्हारी कंटेंट क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। और ऐसे ही सेम विचार ध्रुव राठी के भी हैं। उसने अपनी पहली वीडियो अपलोड करने के लिए 2 महीने लगा दिए थे, क्योंकि वो चाहता था कि उसमें हर चीज एकदम परफेक्ट हो, बेस्ट एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, वीडियो का फ्लो और बाकी सब चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। बट दोस्तों, लाइफ में ना सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर तुम परफेक्शन के पीछे भागोगे तो हो सकता है कि तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दो। ये चीज हमें ले जाती है उसके सेकंड रीजन ऑफ यूट्यूब सक्सेस की तरफ, जो है कंसिस्टेंसी और कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी शब्द को तुमने ध्रुव राठी के साथ बहुत बार सुना होगा। मानो कि हर रोज एक नई कंट्रोवर्सी में ध्रुव राठी का नाम कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। देखो यूट्यूब एक स्ट्रैटेजी गेम की तरह है, जिसमें तुम्हें अपना बेस्ट देना ही है, पर उसको रोज खेलना भी है टॉप पर रहने के लिए, वरना कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। ध्रुव राठी को भले यूट्यूब पे 10 साल हुए हैं, पर उसी 10 सालों में उसने 614 वीडियोस अपलोड कर दी, जिसका रिजल्ट तुम आज देख ही सकते हो। कंट्रोवर्सी किसी भी दो पार्टीज के बीच में हो, व्यूज, सब्सक्राइबर्स और ऑडियंस हमेशा ध्रुव राठी ले जाता है। इन दी एंड उसका कोई ज्यादा लॉस नहीं है, उसका सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें भी सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें केवल और केवल कंटेंट बनाना नहीं है, तुम्हें उसे कॉन्स्टेंटली बनाना है और हर कॉन्ट्रोवर्सी में पढ़ना है। और हो सकता है कि एक दिन तुम भी ध्रुव राठी की तरह फेमस हो जाओ। पर कंटेंट क्रिएशन तो बहुत लोग करते हैं, वो कंसिस्टेंटली और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाते हैं, पर हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। ये ले आता है हमें हमारे थर्ड मेन पॉइंट की तरफ कि ध्रुव राठी केवल और केवल कंटेंट नहीं बनाता, वो कंटेंट बनाता है जो ऑडियंस देखना चाहती है और जिसमें लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। देखो दोस्तों, और नमस्कार दोस्तों, सुन के तुम्हें किसकी याद आती है? ऑब्वियसली ध्रुव राठी की। बस यही कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो तुम्हें यूनिक बनाती हैं और ऑडियंस के बीच में तुम्हारी प्रेजेंस बिल्कुल अलग हो जाती है, जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। ध्रुव राठी को अपनी यूनिकनेस पे काम करते करते 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और यही यूनिकनेस उसको ऑडियंस में इतना अलग स्टैंड आउट करती है कि कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। उसका कंटेंट केवल और केवल ध्रुव राठी ही डिलीवर कर सकता है। मैं चाहे तो कल एक नया यूट्यूब चैनल खोल लूं और ध्रुव राठी की तरह ही वीडियोस बनाने लगूं, पर मैं कभी भी उसके लेवल पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस है और एक अलग से लीड है उसके पास, जिसको मैं कभी कंपेयर ही नहीं कर सकता। बट ये लीड उसके पास पहले से नहीं थी। उसने भी स्टार्ट 0 सब्सक्राइबर्स से किया था और वो भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह रोस्टिंग कंटेंट बना सकता था, जो काफी ज्यादा चलता भी, पर वो उसको यूनिक पॉइंट नहीं देता। और हो सकता है ध्रुव राठी आज वो ना होता जो वो अब है। यही एक रीजन है कि वो अपनी ऑडियंस को अपनी बातों से ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाता है। और आजकल तो तुम्हें बातें सुनने में आ ही रही होंगी क्या क्या चल रहा है ध्रुव राठी के पीछे कॉन्ट्रोवर्सीज। बट मैं यहाँ पे उसकी कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, उसके बारे में तुम कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो चाहे तो। तुम्हें भले ही उसकी वीडियोस पसंद ना आए, पर तुम उसका इम्पैक्ट सोशल मीडिया और लोगों की रियल लाइफ में देख सकते हो। उसके फैंस उसको कितना ज्यादा प्यार देते हैं और आज उसी की वजह से वो इतना ज्यादा फेमस है। मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है ध्रुव राठी और उसके ऐसे यूट्यूबर्स से, क्योंकि सक्सेस का कोई चीट कोड नहीं है। और तुम मेरे को मेरी यूट्यूब जर्नी में ज्वाइन कर सकते हो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के, और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक यही तरीका है जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम मेरे को प्रमोट करती है। और हो सकता है कुछ समय बाद कोई मेरे ऊपर भी ऐसे ही सक्सेस स्टोरी की वीडियो बना रहा हो। अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम यहाँ पे क्लिक करके दूसरी वीडियो देख सकते हो मेरी। और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।